जय खड़ेनाथ। हरिओम नमो शिव। क्या लिखा है जी? राजकीय प्राथमिक पाठशाला नरोगी। नरोगी, नरोगी गांव है और हिमाचल का बहुत खूबसूरत गांव है। और जहां इस पाठशाला में मैं इसलिए आया कि मेरी इच्छा थी कि मैं बच्चों को कुछ बांट कर जाऊँ, ठीक है, जैसे नोटबुक वगैरह। तो मैंने अपने मित्रों को भी कहा था, तो उन्होंने ये सौगात दी मेरे लिए यहाँ पे बांटने के लिए, ठीक है। तो मैं इसी स्कूल में कुछ बच्चों को नोटबुक देने के लिए, सेवा देने के लिए, इस मूवमेंट को खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और जय भोलेनाथ उन खास मित्रों के लिए जिन्होंने ये सौगात मुझे दी है। थैंक यू पुत्र, ठीक है, ऑलवेज तरक्की करते रहो। खुश रहो, थैंक यू बेटा, खुश रहो। ये श्रीमान तरसेम जी, खुश रहो। ये पंजाब के, खुश रहो। देता आपको रह गया, इलाके से आए हैं। ये पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं, इसलिए आज ये हमारे प्राथमिक स्कूल नरोगी में किताबें बांटने का आज काम कर रहे हैं और बच्चे भी इनसे कॉपियां और पेंसिलें प्राप्त करके बहुत खुश हो रहे हैं। खुश रहो बेटा, खुश रहो। तरक्की करते हो, आपको मिला नहीं? मिला नहीं? मिला? लो 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 जी, ठीक है, अनुशासन में रहा करो सदा, हमेशा अनुशासन में रहोगे तो आगे बढ़ोगे, ठीक है। हाँ जी गुरुजी, और क्या बोलोगे आप सब? जय हिंद, वेरी गुड। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इन पलों को खूबसूरत बनाने में इन बच्चों के साथ प्यार बांटना बहुत बढ़िया लगा, मजा आया। क्या बात है, नन्ने नन्ने छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बच्चे हैं, खुश हो गए हैं साहब। और मेरे साथ भवानी भैया, मेरे साथ, मेरा साथ देने वाले मेरे भाई भवानी जी, ये मेरे मित्र हैं, 13 साल से मित्र हैं हमारे इस गांव के। इस गांव में जब मैं पहली बार आया था तो इनसे मिलने आया था, आज मैं सौगात देने आया हूँ जो मेरे मित्रों ने मुझे दी थी वो अब मैंने बांटी है, तो मेरा मन खुश हो गया है। तो मैं अपने मित्रों को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, उनको उनके लिए दुआ करता हूँ कि वो हमेशा खुश रहें, मन से प्रसन्न, शरीर से निरोग रहें, तरक्की करते रहें और ऐसे काम में मेरा साथ देते रहें। जय हरिनाथ, हरिओम नमः शिवाय।